गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक मेथड टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ सेट। हमने आपको बताया था और आपको ये जानना होगा, ऑलवेज किसी क्वेश्चन में अगर आपसे आर्गुमेंट फाइंड करने को कहा जा रहा है, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आपको फाइंड करना होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इसे ध्यान से देखें आप लोग, z इज इक्वल टू x प्लस i, दैट इज वेरी इजी प्रोसेस। आप ध्यान दो केवल z इज इक्वल टू x प्लस i, i ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज किसी फर्स्ट वी फाइंड tan alpha, tan alpha इज इक्वल टू हम लिखेंगे y y x, tan alpha is equal to y y x। हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे y by x, इस तरह से फाइंड करेंगे tan alpha is equal to क्या हो जाएगा y by x। ऐसा क्यों करते हैं तो ये आपको हम बता दें, हम लोगों ने कहा था इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर इस तरह से p और इसको हम करते हैं x y, इसका रिप्रेजेंटेशन यही तो होगा x y। अब यहाँ से होता है That is called theta। यहाँ से अगर हम लिखें तो ये y होता है, ये x होता है, ये वैल्यू कितनी होती है x, ये क्या होता है y होता है। तो ये अगर हमें theta फाइंड करना तो tan theta is equal to क्या हो जाएगा, यही तो होगा perpendicular upon base, that is y by x। तो हम लोग इसको theta ना फाइंड करके क्या फाइंड करेंगे, पहले alpha, ये हमारा मेथड होता है। यहाँ से alpha फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो दैट इज चेंज हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। इससे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड मिल जाएगी तब देखिए हम लोगों को ये देखना होगा कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इट इज लाई द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें लाई कर रहा है ये हम लोगों को जानना होगा। x वो x डैश, y वो y डैश। आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो पॉइंट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिलेगा। तो केस फर्स्ट हम देखेंगे, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे ये आप देखें, केस फर्स्ट में हम लेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, देन जेड लाई इन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट और जब जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा थीटा, दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू ही क्या कहलाएगी थीटा का। अब आए केस सेकंड, केस सेकंड में देखें इफ एक्स लेस देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो हुआ माने एक्स नेगेटिव हो गया वाई पॉजिटिव हो गया, देन जेड लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जेड लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जेड किस में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तब हमें थीटा की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में के लिए हो जाएगा। अब आएंगे इस थर्ड पे, केस थर्ड इफ x less than 0 and y less than 0, then z
जेड लाई इन द थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। अब जेड किसमें लाई करेगा? थर्ड क्वार्टर में लाई करेगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब इन केस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया, अब आइए डिस्कस करते हैं किस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। केस फोर देखिए, केस फोर, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, देन जेड लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मींस इसमें लाई करेगा। और जब जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? माइनस अल्फा। हम जानते हैं थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इस तरह से हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि इससे जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू मिलेगी, वो ऑलवेज क्या होगी? थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर आर इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस पाई, और दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो हम इसी मेथड को फॉलो कर करके हम लोग आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने जरूर आया होगा, ये वीडियो समझ में भी आया होगा। तो वंस अगेन थैंक यू।